मेरा नाम डॉक्टर अजीज सोनावाला है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। वो डॉक्टर होते हैं कि जो दिमागी बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे कि सर दर्द है या फालिज है या मिर्गी है या इस किस्म की बीमारियाँ। माइग्रेन एक किस्म का दर्द है जो किसी पेशेंट में उसी तरह से बार बार आ सकता है, यानी ये सालों तक आ सकता है और एक बार शुरू हो तो कुछ घंटों तक रह सकता है। उसके साथ साथ जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करता है, हो सकता है कि आधे सर में हो सकता है कि सारे सर में हो। माइग्रेन दो तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहला माइग्रेन हम उसको कहते हैं कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन का मतलब है कि ये आम किस्म का माइग्रेन जो मेजॉरिटी लोगों में होता है, और इसमें जो है सर दर्द होता है। सर दर्द से पहले जो है कुछ एक फीलिंग होती है कि जैसे सर दर्द आने वाला है, कुछ घंटों तक रहकर चला जाता है, शिद्दत बहुत हो सकती है, कम हो सकती है। और दूसरी किस्म का माइग्रेन जिसको हम कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन, और क्लासिकल माइग्रेन एक ऐसा यानी किस्म का माइग्रेन है कि जिसमें कुछ और अलामतें होती है, जैसे कि दर्द के शुरू होने से पहले कभी कभार आँखों के सामने कुछ तारे नज़र आते हैं, कुछ लाइट नज़र आती है, कभी कभार जो है कुछ टूटे फूटी तस्वीरी टाइप नज़र आती है जो नहीं हो, जिसको हम कहते हैं विजुअल ऑरा, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन। एक दो दिन पहले कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अब ये शैतान ने आना है, ये दर्द ने आना है। कुछ लोगों को कुछ ऐसी फीलिंग होती है, कुछ लोगों को एक डिप्रेशन सा महसूस होता है, कुछ लोगों को जी चाहता है कि कुछ खाना जैसे कि चॉकलेट है इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा खा लें, और इन तमाम चीज़ों से यानी पेशेंट को पता चल जाता है उसके लिए ये खास है। ट्रिगर्स जो है ये खाने पीने की चीज़ें होती है, कुछ लोगों को कम नींद से होता है, कुछ लोगों को जो है वो यानी ज़्यादा नींद से होता है, कुछ लोगों को टेंशन से होता है, यानी हर किसी के लिए ट्रिगर एक अलग ही चीज़ होती है, हर किसी में एक ही चीज़ नहीं होती है। तो इस ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले जो है आपने लेना है पेन किलर्स, लेकिन माइग्रेन के लिए जो दर्द के लिए जो बेहतरीन दवाई है अक्सर देखा गया है, हर किसी के लिए ये माफक नहीं आएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में नेप्रोक्सन नाम की दवा है, अगर वो लेते हैं तो उससे दर्द में आराम आता है। माइग्रेन का दर्द अगर किसी को है तो अगर आप बहुत यानी फास्ट लाइफ जी रहे हो, बहुत फास्ट फूड के आदि हो गए हो, बहुत स्ट्रेस के आदि हो गए हो, कम नींद ले रहे हो, इन तमाम चीज़ों से परहेज करना इतना ही अहम है जितना दवाइयाँ है। और अगर हम सही तरह से दवाई लेते हैं और सही तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, जैसे हम कहते हैं कि 90% माइग्रेन्स जो है वो बहुत सही तरह से कंट्रोल हो सकती है।